बुलंदशहर में हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की और भाइयों ने भी अपनी बहनों को उपहार दिए। जिला कारागार में धूमधाम से भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। जिला कारागार में बहनों ने जेल में भाई के माथे पर टीका किया और हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। जिला कारागार प्रशासन की व्यवस्था से दूर दराज से आई बहनें काफी खुश नजर आई। जिला कारागार में बंद बंदियों ने प्रशासन का धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे पहले रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी लाने का प्रावधान था, लेकिन इस बार बहनों ने अपने हाथों से भाइयों को मिठाई भी खिलाई। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल कारागार के मुख्य गेट पर दूर दराज से आई बहनों के लिए रक्षाबंधन हेल्प डेस्क बनाई गई, जिससे किसी भी बहन को कोई परेशानी होने पर उसकी परेशानी का समाधान होता रहे। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। रक्षाबंधन जैसे कि आप जानते हैं हमारे संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हमारे पारिवारिक रिश्ता को और मजबूत करता है। इसी उद्देश्य से हमारे रक्षाबंधन को सभी कारागारों में भी फैसिलिटेट कराने के लिए और सभी व्यवस्था करने के लिए सभी हमारे कारागार को उत्तर प्रदेश में निर्देशित किया गया है कि वो सभी बहनों को और या अन्य लोगों को, परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों से, भाइयों से आके मिले और मुलाकात नियमानुसार करा दिया जाएगा। और रक्षाबंधन के अवसर पर ये पारिवारिक रिश्ता को अधिक मजबूत करें ताकि आने वाले समय में हमारे बंदी वो सुधार की दिशा में और आगे बढ़े, उनका नैतिक मूल्यबोध में सुधार हो और उसके साथ साथ वो जाके समाज में पुनः जो मुख्य धारा में शामिल हो जाए। धन्यवाद।